पहले चरण की वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया और इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार वोटिंग जारी है। तो हमारे साथ आगरा से विजय सोलंकी हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, क्या स्थिति नजर आ रही है आगरा की? बिल्कुल, हम बात करें आगरा एकमात्र विधानसभा की, तो यहाँ सुबह से ही आनंदगढ़ मतदान केंद्र पे मतलब लंबी लंबी लाइनें कतारें लग गई हैं और मतदाता का जो जागरूक है, सर्दी होने के बावजूद भी मतदान मतलब महापर्व में मतदान केंद्र में वो चल रहा है और लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। महिलाएं भी जागरूक है, महिलाएं भी मतदान कर रही है, पुरुष भी वो भी अच्छी तरीके से लाइन मतलब मतदान कर रहे हैं। विजय, क्योंकि रूलर का इलाका है, किस सीट पर आप इस वक्त मौजूद हो वो भी हम लोगों को जानकारी दीजिए और किन किन के बीच में यहाँ मुख्य मुकाबला है वो भी अपडेट दीजिएगा। अभी हम जो है आगरा की एकमात्र विधानसभा में मौजूद है, यहाँ पे हम अभी आमलखेड़ा बूथ पे मौजूद है आगरा छासी एकमात्र विधानसभा में। यहाँ मुकाबला जो है मेन चीज जो है वो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी राकेश बघेल और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल सिंह, इन दोनों जोर जबरदस्त मुकाबला है, इन दोनों को मतलब मतदान जो चल रहा है। एक विजय, किस तरह का वहाँ लोगों में रुझान है? ठंड का मौसम है, लोग लंबी लाइनों में नजर आ रहे हैं या बूथ खाली नजर आ रहे हैं, किस तरह की तस्वीर दिख रही है? मतदान को लेकर लोगों में काफी जागरूकता है और लोग सुबह से ही, सर्दी होने के बावजूद भी कल बारिश हुई है, उसके बाद भी आज कोहरा है, कोहरे में भी लोग मतलब सुबह से आए हुए, लंबी लंबी कतारें लगी हुई, अभी समय हुआ है 9:30 का और तकरीबन विधानसभा एकमात्र में अभी 9% मतदान हो चुका है। विवेक, क्योंकि जिस तरीके से सुबह 10 बज चुके हैं तो स्थिति अभी लंबी लाइनों में, महिलाएं वोटर क्या निकल पा रही हैं या सिर्फ अभी पुरुष ही लाइन में नजर आ रहे हैं? हम महिलाओं की बात करें, महिला चाय भी नहीं किए, जलपान भी नहीं किया, वो सुबह से ही लाइनों में लगी हुई है, यहाँ पे महिलाओं की पुरुषों की सभी की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है अभी। सुरक्षा इंतजाम किस तरीके से हैं विजय, वहाँ लगातार दिख रहे हैं आप लोग? सुरक्षा इंतजाम की बात करें, हम चाक चौबन सुरक्षा इंतजाम है एकमात्र विधानसभा में, आमलखेड़ा बूथ के ऊपर खड़े हुए हैं। यहाँ मतलब सुरक्षा की बात करें तो मतलब चाक चौबन की व्यवस्था करी हुई है प्रशासन की तरफ से, एकदम बोलते ना कि सतर्क कमांडर सब तैनात है, केवल मतदान केंद्र पर उन्हीं लोगों को लाया जा रहा है जिनको मतलब जिनके वोट है और एक्सपायर डेट के मतलब जैसे जो आप ऊपर भी स्थिति के लोग हैं उन्हें मतलब तुरंत पकड़ के थाने ले जाया जा रहा है, जो भी कुछ किया जा रहा है। विजय, क्योंकि जिस तरीके से रूलर आपका इलाका आता है तो कहीं ईवीएम खराब या कहीं लेट चुनाव होने की कोई सूचना मिल रही है या सब जगह एतमादपुर विधानसभा में ऐसी कोई सूचना नहीं मिल रही है, लेकिन आगरा की दो विधानसभा में ऐसी सूचना मिली है, करावली और खेरागढ़ में, जहाँ डीएम के आदेश पर ईवीएम टेंट किए गए हैं। हाँ बिल्कुल, विजय सोलंकी हमारे साथ जुड़े हुए, तो तमाम अपडेट हम लोगों तक पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से लगातार वहां चुनाव का रुख जारी है और लगातार वोटिंग का दौर भी लगातार चल रहा है। तो इस वक्त हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आगरा के एतमादपुर से विजय सोलंकी तमाम अपडेट्स हम लोगों को दे रहे थे कि किस तरीके से मतदान केंद्रों पर सुबह से लाइन लगी हुई है, लोग मतदान करते नजर आ रहे हैं, महिला पुरुष